आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी लड़की को अपने पीछे पागल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो लड़की आपके अलावा किसी को ना देखे और सिर्फ आप ही का नाम उसकी जुबान पर हो और दिन रात आपके ही बारे में सोचे और आपसे मिलने या बात करने के बहाने ढूंढे, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप उस लड़की को अपना दीवाना बना सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ कि जिनको फॉलो करने के बाद वो लड़की आपके प्यार में ना सिर्फ पागल हो जाएगी बल्कि हर वक्त आपके बारे में ही सोचेगी। तो ये ट्रिक्स जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियोस एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, तो ब्राय मेहरबानी इनसे कोई गलत मतलब ना लिया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको ये बात जहन नशीन करनी है कि अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं तो ये तो एक अच्छी बात है, आप उसे फॉलो या पसंद तो करें, मगर इस हद तक उसके पीछे ना पड़ जाएं कि वो आपको चिपकू समझने लगे और आप उसको देखकर गिर ही जाएं। यहाँ गिरने से मुराद ये है कि आपको चिपकू टाइप नहीं बनना, क्योंकि ऐसे लड़के जो चिपकू टाइप हों वो लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होते और ऐसे लड़के जब लड़कियों के पीछे आते हैं तो वो उनसे जल्दी बेजार हो जाती हैं। यहाँ आपने जो बात याद रखनी है और जिस बात पर अमल करना है वो ये है कि आपको दूसरे लड़कों की तरह नहीं बनना। मोस्टली लड़के करते क्या है, यहाँ लड़की देखी नहीं और वहाँ उसके पीछे पीछे चल पड़े। लड़की अगर बहुत पसंद आ जाती है तो उसे घर तक छोड़ कर आते हैं, तो ऐसे लड़कों को लड़कियाँ ठरकी समझती हैं। इसलिए आपको ऐसे लड़कों जैसा नहीं बनना और अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं तो उसे पसंद तो करें लेकिन चिपकू ना बने। नंबर 2, नेक्स्ट स्टेप में आपको उस लड़की की क्यूरियोसिटी को बढ़ाना है, यानी जिस लड़की को आप पसंद करते हैं उससे बात करते हुए उसके सामने खुद को एक्सपोज नहीं करें, यानी आप उसे बातें करते वक्त इतने एक्साइटेड ना हो जाएं कि उसे एक्साइटमेंट में ये भी बता दें कि आप आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं या आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है और आप उस लड़की से कैसी उम्मीदें रखते हैं। आपने ये सब उसे नहीं बताना, यानी खुद के बारे में एक एक चीज बताने की जरूरत नहीं। अगर वो पूछे भी तो शुरू मत हो जाएं, खुद को एक्सपोज ना करें बल्कि उस लड़की को आपके बारे में सोचने दें, उसको खुद आपको जानने दें। ऐसे ही तो उस लड़की की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और वो आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचेगी। नंबर 3, लास्ट स्टेप में आपको अपने सर्कल को बढ़ाना है, यानी मोस्टली लड़के ऐसे करते हैं कि जब वो किसी लड़की को पसंद करने लगते हैं तो वो अपने करीबी दोस्तों यहाँ तक कि अपने करियर को भी भूल जाते हैं और उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की तरफ होता है। चाहते हैं कि सुबह शाम उससे कॉल पर लंबी लंबी बातें चलें। ऐसे लड़की चंद दिन में उकता जाती है कि शायद इस इंसान के पास कुछ और करने के लिए है ही नहीं, या फिर ये सोचती है कि ये कोई फारिग बंदा है, इसके अपने कोई फ्यूचर गोल्स ही नहीं, तो वो ये सोचने लगती है कि ऐसा इंसान जो अपने साथ सिंसियर नहीं, आगे चल के मेरे साथ क्या सिंसियर होगा। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना और अपने सोशल सर्कल को एक्सटेंड करते जाना है, अपने करियर पर फोकस करना है। ठीक है किसी को पसंद करना बुरी बात नहीं, आप साथ साथ उस लड़की को भी टाइम दें। जब आप अपना सोशल सर्कल बढ़ाएंगे तो इससे लड़की को ये मैसेज जाएगा कि आप एक जिम्मेदार इंसान हैं और आप अगर उस लड़की से मोहब्बत करते हैं तो उसके साथ साथ अपने फ्यूचर गोल्स को भी अचीव करने में सीरियस हैं। और जाहिर सी बात है जब आप मेहनत से अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी और भी ज्यादा डेवलप हो जाएगी, जिसके बाद वो लड़की आपको छोड़कर जा ही नहीं पाएगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने प्यार के इजहार में इन्हें लाइक करें और शेयर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें तो हमें सपोर्ट करें और कमेंट करें। शुक्रिया।